तो एक बार फिर से वो सीजन आ गया जिसको जिसका सबको ही बहुत बेसब्री से इंतजार था, जो कि है SS24। तो गर्मियों का सीजन वापस आ गया है। इस वीडियो में हम आपको वो सारी टिप्स देने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप अपनी सेल को 10 गुना तक ले जा सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किन किन चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप अपनी स्टोर की सेल को बढ़ा सके। My name is विशाल मेहरा। Hi, this is Ritika। Welcome to our channel once again। तो आइए चर्चा करते हैं उन सारी बातों को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको अगर नए सीजन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको स्टोर को ऑडिट करना चाहिए। नया साल शुरू होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर नया आने वाला है, तो सबसे पहले तो March 31st से पहले पहले आपको पूरे स्टोर की इन्वेंट्री का ऑडिट करना चाहिए। बहुत सारा स्टॉक नीचे दबा हुआ होगा, खराब पॉली बैग्स में होगा, विंटर के स्टॉक को हो सकता है आपको रीपैक करके वापस रखना हो, उसको अच्छे से पैक करके रखिए ताकि नए सीजन में आप फिर से उसको एज अ फ्रेश कलेक्शन लॉन्च कर सकें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर में नहीं होंगी। अगर इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर नहीं लिया है तो हमारी दूसरी वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बताया है, वो जरूर लगाइए अपने पास। तो आपका सॉफ्टवेयर और आपकी फिजिकल इन्वेंट्री पूरी मैच करनी चाहिए 100%। तो ये मेक श्योर कीजिए, अगर आपने अभी तक इसको नहीं कर रहे हैं तो आपकी ऑडिटिंग कीजिए स्टोर की और पूर्ण दोनों को सिंक करके रखिए। और जब आप ये ऑडिटिंग कर रहे होंगे तो तभी आपको एक और मौका भी मिलेगा जिससे आपकी स्टोर की बिल्कुल एक नई लुक क्रिएट हो सकती है, जो कि आप कर सकते हैं स्टोर को रीमैप करके, जिसमें मैं आपके स्टोर के फिक्स्चर को बदलने को नहीं कहूंगी, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी सारी कैटेगरीज को आपस में शफल कर दीजिए। जहां पर स्टोर में एंटर करते ही जीन्स दिखा करती थी वहां पर शर्ट्स होनी चाहिए, जहां शर्ट्स होती थी वहां टी-शर्ट्स टांग दीजिए, जहां टी-शर्ट्स होती थी वहां पर जीन्स को मूव कर दीजिए। और अगर आपका फिक्स्चर कुछ इस तरीके का है जहां पर आप हैंगिंग और शेल्फ्स को इधर उधर कर सकते हैं, मूवेबल है, तो और भी बेहतर है, क्योंकि फिर अब आपके पास में ऑप्शन है कि जहां पर आपका हैंगिंग था वहां पर आपने शेल्फ लगा दी, जहां पर शेल्फ थी वहां आपने हैंगिंग कर दिया। दिस वे आपका स्टोर कम्प्लीटली न्यू दिखेगा एंड कस्टमर के लिए भी, क्योंकि देखिए आप बहुत सारा फ्रेश कलेक्शन तो ऐड करेंगे ही, पर सबसे पहली वाइब जो है वो एटमॉस्फेयर की आती है। तो जब आप वो पूरी एक आपने ऑडिट कर लिया सारी पूरी, जो एक तरीके से होता है ना कि धूल मिट्टी दिवाली पे जो हम सफाई करते हैं, एक तरीके से वैसा हो जाएगा, तो एक फ्रेशनेस अपने आप आएगी। और साथ ही साथ में जब आप एक नई लुक क्रिएट कर देंगे तो उसके साथ भी आपके स्टोर की एक न्यू लुक क्रिएट हो जाएगी और धन की वर्षाओं भी शुरू हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 3 पर आता है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, जो कलेक्शन आप लेके आएंगे पेस्टल कलर्स लेके आइए, फ्रेश कलेक्शन लेके आइए, लाइट शेड्स ज़्यादा चलते हैं समर्स में उसको लेके आइए, फैब्रिक्स जो लेने वाले समर्स में उसका ध्यान रखिए अपने एरिया के हिसाब से। आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है या थोड़ा सा विंटर भी चलता है, क्योंकि हिमाचल साइड में हमेशा थोड़ा बहुत सीजन रहता है, उस हिसाब से आपको कलेक्शन लेके आना है, फैब्रिक्स का राइट चॉइस करना है, कलर्स का राइट चॉइस करना है कि आपके स्टोर में सारे लाइट शेड्स हों और एक देखने वाले को बहुत अच्छा लुक मिले। बिल्कुल। और साथ ही साथ में 4th पॉइंट ये आ जाता है कि अब टाइम फिर से आ चुका है कि आप अपने ऑफर्स को बदलिए, क्योंकि अभी तक जो भी ऑफर्स आप चला रहे थे वो क्रिसमस ऑफर, फिर न्यू ईयर ऑफर, फिर एंड ऑफ सीजन सेल ऑफर, अब आपका फ्रेश अराइवल वाले ऑफर्स होने चाहिए। अब आपको चाहिए फिर से वही फ्रेश कस्टमर्स जो नए कलेक्शन खरीदना चाहते हैं। कस्टमर्स के माइंडसेट के हिसाब से ऑफर लगाना चाहिए। अब वो टाइम है जब एक नया सीजन है, तो हर किसी को पूरा एक शॉपिंग का एक सीजन दौर चलेगा ही, क्योंकि अब दोबारा विंटर्स आएंगे अक्टूबर नवंबर में, तब तक के लिए सिमिलर टाइप की शॉपिंग लोग करते ही चलेंगे। तो अब आपको अपने ऑफर्स को बदल के एक सेक्शन फ्रेश अराइवल का लगा देना चाहिए और साथ ही साथ में अब आपको लगाने चाहिए मल्टीपल ऑफर्स, जिसमें बाय फॉर दिस अमाउंट एंड गेट दिस फ्री, जैसे आप देखते हैं ना शॉप फॉर 5000 एंड गेट दिस बैग फ्री और गेट दिस वॉच फ्री और व्हाटएवर, और सिमिलरली यू कैन डू फॉर बाय टू गेट टू टाइप ऑफ ऑफर्स ऑल्सो। तो जो भी आप ऑफर कर रहे थे, आई मीन टू से कि उसको बिल्कुल बदल दीजिए, जिससे आपके स्टोर पे अगेन कस्टमर के लिए एक फ्रेशनेस क्रिएट हो। और ये छोटी छोटी चीजों से ही कस्टमर को वो न्यूनेस मिलती है। इट्स नॉट ओनली द कलेक्शन, इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो जब आप नया कलेक्शन लेके आएंगे, नए तरह के ऑफर्स लगाएंगे, तो स्टोर्स पे एक छोटी सी टिप और मैं देना चाहूंगा, अपने स्टोर पे लगाएं सेल्फ टॉकर्स, जो कस्टमर उसको पढ़ के उसको पास जाए, उसको क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि क्या लिखा हुआ है मैं समझना चाहता हूँ। तो सेल्फ टॉकर्स भी लाइए अपने स्टोर पर, अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो उससे एक एडिशनल बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा।